हेलो एवरीबॉडी, आज हम जॉब वैकेंसी और लॉस्ट एंड फाउंड के एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जॉब वैकेंसी। जॉब मीन्स होती है नौकरी और वैकेंसी होती है रिक्त रिक्त नौकरी। इसका अर्थ होता है रिक्त नौकरी जब किसी संस्था या फिर कोई भी वर्क प्लेस है लाइक स्कूल, कॉलेज, कंपनी और अदर कोई भी वर्क प्लेस है उसमें किसी भी एम्प्लॉय का पद खाली है तो उस खाली पद को भरने के लिए वो वर्क प्लेस है जो एडवर्टाइजमेंट निकालता है नौकरी पेशा, जो बेरोजगार लोग हैं वो नौकरी ले सकते हैं क्वालिफाइड जो उस नौकरी के योग्य हैं। इसी प्रकार जैसे कोई बेरोजगार व्यक्ति है वो भी अपनी जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल सकता है। जो जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर ये भी दो प्रकार से लिखे जाते हैं, ऐसे विज्ञापन दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला है जब किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, फर्म या किसी कंपनी, फैक्ट्री आदि में लंबे समय से चल रहे खाली पद को भरने हेतु विज्ञापन निकाला जाता है तो हेडिंग के रूप में कैपिटल लेटर्स में सिचुएशन वैकेंट लिखते हैं। जब किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, फर्म या किसी भी कंपनी, फैक्ट्री आदि में लंबे समय से चल रहे खाली पद को भरने हेतु विज्ञापन निकाला जाता है तो हेडिंग क्या लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, सिचुएशन वैकेंट। तो हेडिंग कैपिटल लेटर्स में सिचुएशन वैकेंट लिखी जाती है। सेकंड है जब एक बेरोजगार क्वालिफाइड व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता को जारी करते हुए स्वयं के लिए रोजगार पाने हेतु जब विज्ञापन लिखा जाता है तो हेडिंग के रूप में कैपिटल लेटर्स में सिचुएशन वांटेड लिखते हैं। जब किसी बेरोजगार व्यक्ति द्वारा जो कि योग्य भी होना चाहिए, उस जो नौकरी उसको चाहिए उसके योग्य भी होना चाहिए, वो अपनी योग्यता को जारी करते हुए विज्ञापन निकालता है और रोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थिति हो तो अपन हेडिंग के रूप में क्या लिखेंगे, सिचुएशन वांटेड। यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट है दो तरीके से लिखे जाते हैं, इनकी हेडिंग्स भी दो तरीके की होती है, सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। हम दोनों तरीकों को एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। बालिका एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा रिक्वायर्स एंड इंग्लिश टीचर। बालिका एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा को इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है। द कैंडिडेट मस्ट बी एन एम ए इन डिजायर सब्जेक्ट विद बी एड। जो कैंडिडेट है उसको एम ए इन डिजायर सब्जेक्ट, डिजायर सब्जेक्ट क्या है अगर इंग्लिश, डिजायर सब्जेक्ट मीन्स होता है वांछित विषय, क्या है इंग्लिश विद बी एड, यानी एम ए भी होनी चाहिए और बी एड भी होनी चाहिए इंग्लिश में। एंड मिनिमम 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस नेसेसरी, और कम से कम 5 वर्ष का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आवश्यक है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन लोकल न्यूज़पेपर। एक एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए लोकल न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए एज यू आर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। आप स्कूल के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नीचे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है यहाँ पे, बालिका एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिक्वायर्स करती है, इनकी पद खाली कहाँ पे है, बालिका एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उसको आवश्यकता है तो बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल एडवर्टाइजमेंट निकालेगी। इसके लिए हेडिंग ऑफ सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट का अर्थ होता है रिक्त स्थिति, यानी कि पद खाली है तो रिक्त स्थिति मानी जाएगी वो, सिचुएशन वैकेंट। नीचे इनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है हेडिंग, नीचे है बालिका एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा रिक्वायर्स अ यंग, ऑनेस्ट, एनर्जेटिक, डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग ए मेल टीचर। बालिका सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा को आवश्यकता है, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है, ए यंग, एक युवा, ऑनेस्ट, ईमानदार, एनर्जेटिक होता है ऊर्जावान, डेडिकेटेड समर्पित
और हार्डवर्किंग होता है मेहनती ए मेल टीचर एक पुरुष अध्यापक ऑफ इंग्लिश इसका इंग्लिश का विद एम ए इन डिजायर सब्जेक्ट बी एड एम ए इन डिजायर जो सब्जेक्ट है उसमें एम ए होना चाहिए बी एड एंड मिनिमम 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस और कम से कम 5 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए आवश्यक है नेक्स्ट मीन्स आवश्यक है कॉमा सैलरी रुपये 25,000 पर मंथ सैलरी कितनी होगी पर मंथ की 25,000 प्रत्येक महीने 25,000 सैलरी वॉक इन इंटरव्यू ऑन 30 जून 2020 वॉक इन इंटरव्यू इस वॉक इन इंटरव्यू यहाँ तक इसका अर्थ है इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए आइए ऑन 30 जून 2020 30 जून 2020 को विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज के साथ एंड 1 फोटोकॉपी ईच डॉक्यूमेंट्स और 1 फोटोकॉपी यानी 1 फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट्स प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 1 फोटोकॉपी के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो और उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए बिटवीन 8 AM टू 1 PM सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक इन प्रिंसिपल ऑफिस गुप्ता द प्रिंसिपल बालिका एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा ये प्रिंसिपल का नाम लिखा है क्योंकि एक प्रिंसिपल ही लिखा होता है अपने स्कूल में जो इंग्लिश का टीचर का पद टीचर के पद खालिज के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालो प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल एप्लीकेशन वगैरह तो आपके पास प्रिंसिपल दीसी गुप्ता था प्रिंसिपल बालिका एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा स्कूल का नाम लिखिए इसको इस तरह बॉक्स में बंद कर देंगे बॉक्स को लॉन्ग करना है वाइड नहीं करना अब नेक्स्ट हम सिचुएशन वांटेड का एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे सपोज यू आर बीएड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम जोधपुर यूनिवर्सिटी मान लीजिए आप यहाँ पर बीई आएगा नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल है सपोज यू आर बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम जोधपुर यूनिवर्सिटी मान लीजिए आप जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं यू वांट टू टेक पार्ट टाइम जॉब इन अराउंड जयपुर फॉर ओनली 3 आवर्स आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं इन यहाँ पे एंड आया इन एंड अराउंड जयपुर इन या तो जयपुर में हो यहाँ पे बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जॉब चाहिए पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो उसके लिए वो विज्ञापन निकाल रहा है इसलिए यहाँ पे हेडिंग आई सिचुएशन वांटेड बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को क्या चाहिए जॉब चाहिए तो आगे है ए यंग ऑनेस्ट एनर्जेटिक डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग फर्स्ट क्लास इन बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम जोधपुर यूनिवर्सिटी एक युवा ईमानदार ऊर्जावान समर्पित और मेहनती फर्स्ट क्लास में प्रथम श्रेणी इन बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम जोधपुर यूनिवर्सिटी जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी ये बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री है बीई सीट फॉर तलाश में है पार्ट टाइम जॉब इन एंड अराउंड जयपुर पार्ट टाइम जॉब जयपुर में या जयपुर के आसपास फॉर ओनली 3 आवर्स केवल 3 घंटों के लिए एक्सपीरियंस 5 ईयर्स इन ए लीडिंग कंपनी 5 साल का अनुभव है कहाँ पे एक लीडिंग कंपनी का अर्थ है कि बहुत प्रसिद्ध या फिर बहुत पहुंची हुई कंपनी लीडिंग कंपनी
सैलरी नेगोटिएबल, प्लीज कॉन्टेक्ट मी सैलरी नेगोटिएबल। यहाँ पे नेगोटिएबल का जो वर्ड है उसका अर्थ तो बातचीत करने योग्य होता है, बट इसका हम यहाँ पे भावार्थ ले तो ये ले सकते हैं सैलरी नेगोटिएबल, यानी सैलरी का जो डिस्कशन है वो आमने सामने बैठ कर ही करेंगे। प्लीज कॉन्टेक्ट मी नीरज गुप्ता, नीरज गुप्ता से कॉन्टेक्ट कीजिए, टॉक रोड जयपुर, यहाँ पे नीरज गुप्ता का एड्रेस है टॉक रोड जयपुर, और रिंग एट 94 14 है, और आप फोन भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिए गए हुए हैं। इसको एक इस तरह बॉक्स से बंद कर देंगे। अब हम लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लॉस्ट मीन्स होता है खोया और फाउंड मीन्स होता है पाया। लॉस्ट एंड फाउंड जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें इस प्रकार के विज्ञापन में किसी व्यक्ति या वस्तु को खोने व मिलने की जानकारी अखबार के माध्यम से दी जाती है। जो लॉस्ट एंड फाउंड जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को खोने व मिलने की जानकारी, या तो व्यक्ति भी हो सकता है वस्तु भी हो सकती है, को खोने और मिलने की जानकारी अखबार के माध्यम से दी जाती है। इसमें खोई हुई व प्राप्त हुई वस्तु का नाम, रंग, रूप, आकार, खोने व प्राप्त होने का दिन और स्थान आदि की जानकारी देते हैं, आदि की जानकारी देते हैं। ऐसे विज्ञापन में कैपिटल लेटर्स में लॉस्ट 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 खोई हुई वस्तु के लिए लिखते हैं। सबसे पहले इसमें खोई हुई वस्तु में प्राप्त हुई वस्तु का नाम, रंग, रूप, आकार, खोने में प्राप्त होने का दिन, दिनांक, स्थान आदि की जानकारी देते हैं। खोई हुई वस्तु जैसे कि कुछ भी हो सकता है, पर्स या फिर अदर कोई भी कीमती सामान, जो भी व्यक्ति भी हो सकता है उसका, दूसरे जिस वेशभूषा बता सकते हैं अपन, उसके अंदर रंग रूप बता सकते हैं, खोने प्राप्त होने का खोया, और यदि खोया है तो उसके दिन और दिनांक दोनों लिखेंगे और स्थान भी, और प्राप्त हुआ है तो कहाँ प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है, उसके बारे में जानकारी देंगे। ऐसे विज्ञापन में कैपिटल लेटर्स में लॉस्ट 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 खोई हुई वस्तु के लिए लिखते हैं। जब कोई वस्तु खो जाती है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो अपन 3 बार लिखेंगे उसमें हेडिंग के रूप में लॉस्ट 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 जो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे नीचे है, और प्राप्त की हुई वस्तु के लिए हेडिंग के रूप में कैपिटल लेटर्स में फाउंड लिखा जाता है। कोई वस्तु किसी की खोई हुई वस्तु में प्राप्त हुई है तो उसे देने के लिए, उसको जानकारी देने के लिए अपन एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। एडवर्टाइजमेंट में जो हेडिंग होगी वो फाउंड होगी, लेकिन इसमें एक बार लिखनी है, इसमें इसकी तरह नहीं लिखना फाउंड फाउंड फाउंड, इसमें ओनली एक बार लिखना है फाउंड लिखा जाता है। जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे हम लॉस्ट एंड फाउंड जो एडवर्टाइजमेंट है उसको एग्जाम्पल के माध्यम, एग्जाम्पल है व्हाइल यू वर गोइंग टू मार्केट, जब आप बाजार जा रहे थे, यू लॉस्ट योर स्मॉल ब्लैक कलर हैंडबैग, आपने आपका ब्लैक कलर का हैंडबैग है वो खो दिया, समवेयर एट बसवा रोड बांदीकुई, कहीं बसवा रोड बांदीकुई पर, इट कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स सभी शामिल थे, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब कुछ रकम भी शामिल थी, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन योर डेली लोकल न्यूज़पेपर टू गेट, इसे प्राप्त करने के लिए आपकी लोकल न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकलवाइए। ये क्वेश्चन है, नीचे इसका आंसर दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, हमने मार्केट जाते समय क्या होया, ब्लैक कलर हैंडबैग, यानी खोई हुई चीज क्या है, ब्लैक कलर हैंडबैग। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि इसमें क्या क्या शामिल है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ
मनी। अब ये क्वेश्चन है जिसमें लॉस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि लॉस्ट खोया है हमने, तो इसमें लॉस्ट के लिए एडवर्समेंट निकालेंगे, इसलिए हेडिंग है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। तीन बार लॉस्ट है जो कि कैपिटल लेटर्स में है। नीचे है लॉस्ट अ ब्लैक कलर स्मॉल हैंड बैग। एक ब्लैक कलर का स्मॉल हैंड बैग खो गया है ऑन मंडे, मंडे को 8 जून 2020, मंडे 8 जून 2020 को एट 9 AM करीब 9 बजे समवेयर एट बसवा रोड बांदीकुई, कहीं बसवा रोड बांदीकुई पर। इट कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, डीएल मीन्स होता है ड्राइविंग लाइसेंस, एंड बैंक पासबुक एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। कॉमा फाइंडर विल बी रिवार्डेड, जो खोजने वाला होगा उसको रिवार्डेड किया जाएगा। इफ एनीवन फाइंड इट, यदि इसे कोई खोजता है, प्लीज इन्फॉर्म मी, मुझे सूचना दीजिए, कृपया मुझे सूचना दीजिए। एस के शर्मा ग्रीन पार्क कॉलोनी बांदीकुई, एस के शर्मा ग्रीन पार्क कॉलोनी बांदीकुई। और रिंग एट और आप फोन भी कर सकते हैं, नीचे कोई भी नंबर लिख दीजिए, वैसे आपके लिखा है कुछ भी, पूरे नंबर तो लिखने नहीं है अपन को, सिर्फ की 4 डिजिट लिख सकते हैं। नीचे ये पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो रेडी हो चुका है, इसको इस तरह बॉक्स में बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम फाउंड एग्जाम, फाउंड एडवर्टाइजमेंट का एक क्वेश्चन है। यू फाउंड अ लिटिल चाइल्ड इन मार्केट, आपने बाजार में, आपको बाजार में एक बच्चा, छोटा बच्चा मिला है। यू बिकेम, हु बिकेम अपार्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जो कि अपने माता पिता से अलग हो गया है। You want to give information to his parents, आप उसके माता पिता को सूचना देना चाहते हैं। Draft an advertisement for it, इसके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए in your daily newspaper, आपके दैनिक समाचार पत्र में, with necessary details, आवश्यक विवरण के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको समझना है कि found है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ वर्ड में लिखा है found, साउथ ऑफ वर्ड्स में लिखा है फाउंड, तो हेडिंग क्या आएगी, फाउंड, जो कि कैपिटल लेटर्स में है। नीचे है फाउंड अ लिटिल चाइल्ड एट राज बाजार बांदीकुई, एक छोटा बच्चा मिला एट राज बाजार बांदीकुई में, अबाउट 7 AM लगभग 7 बजे, सुबह 7 बजे। अनेबल टू टेल हिज नेम, अपने नाम बताने में सक्षम है, एंड हिज पेरेंट्स नेम, और उसके माता पिता के नाम बताने में सक्षम है। एज 5 इयर्स, 5 साल का है, फेयर कलर है, वियरिंग हाफ पैंट एंड टी शर्ट, हाफ पैंट और टी शर्ट पहने हुए है। प्लीज कॉन्टेक्ट मी बडियाल रोड बांदीकुई, कृपया मुझसे संपर्क कीजिए बडियाल रोड बांदीकुई, और कॉल मी, और आप फोन भी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं ऊपर। यहाँ पे एक पर्सन के मिलने की इंफॉर्मेशन देनी है अपन को, आपको इसे बताया गया था कि पर्सन के लिए भी हो सकता है, फिर कोई वस्तु के लिए भी हो सकता है। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट, ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रेडी हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट है वो पूरे हो चुके हैं, पूरे 6 प्रकार आपको समझा दिए गए हैं, लेकिन आप इनके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सारे रूल्स आपको, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट, उनके रूल्स आपको समझा दिए गए, उनके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोई भी एडवर्टाइजमेंट में, फिर अदर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए अब तक उनमें, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, आपकी जो नेक्स्ट कंपल्सरी कंपोजिशन की क्लासेस हैं वो 27 जून के बाद ही लगेंगी, तब तक आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।